लेकिन वो प्लेन को ही बेच दिया। ये है बीएसएनएल बिक गया, भारतीय जीवन बीमा बिक गया, आपके भारतीय पेट्रोलियम बिक गया। तो अरे देश के जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे, देश के आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दिए, कितने नौजवान, लाखों करोड़ों में लोगों ने अपने जवानी को कुर्बानी कर दिया, क्या इसी दिन देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सरकार सौंप देने के, देश सौंपने के बाद क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने ये कुर्बानी दी थी? ये हमारे अमर शहीद दीन नारायण सिंह सोना खान ने क्या इसी दिन के लिए लड़ाई लड़ा अंग्रेजों से कि आप देश की संपत्ति बेच करके और विदेश चले जाओगे? तुम देखते रहिए, है कि नहीं है ये स्थिति? या मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा बेचने में लगा हुआ है, और आपको धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ाते हैं। अभी भगवा झंडा, उसके पहले किसी ने और कोई दूसरा झंडा लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया? अरे भाई, अपने अपने आस्था और विश्वास पर चलने दिया जाए। भारतीय संविधान के पहले प्रस्तावना में आर्थिक आजादी थी, क्या हमको आर्थिक आजादी मिली? समाजवाद की बात कहा गया था, क्या समाजवाद यहाँ दिख रहा है? कोई काम नहीं हुआ है साथियों। बाबा साहब अंबेडकर के यहाँ तैलचित्र आप लोगों ने रखा है, क्या बाबा साहब अंबेडकर जी के जो भारतीय संविधान के पहले प्रस्तावना में जो बात लिखी है, क्या उसका परिपालन इस देश में हुआ? नहीं हुआ, 75 साल के बाद नहीं हो पाया साथी। ऐसे तो एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, इस तरह का आप काम करते रहोगे तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, और इन बच्चों का भी भला नहीं होने वाला है। भला तो तभी होगा जब आपका अपना राजपाट आ जाए, जब आपकी सरकार बन जाए, और जो लोग आपकी बात का वकालत करे, जो सड़क से स्वतंत्र आपकी लड़ाई लड़े, ऐसे बेटे लोगों को चुनाव जिता करके भेजिए साथियों। वो दिन दूर नहीं जब फिर गोंडवाना का सोने का सिक्का फिर से चलने लगेगा इस देश में। ये सपना हमारे पूर्वजों ने, चाहे अमर शहीद वीर नारायण सिंह हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, शंकर सारनाथ शाह हो, चाहे दुर्गावती और काय कांटिया भील हो, चाहे सेडमा के जी हो, चाहे कोमराम भीमू हो, ये तमाम लोगों ने आंदोलन किया। इस गोंडवाना आंदोलन में सबसे बड़ा अगर आंदोलन करने वाला है आदिवासी समाज है, लेकिन आज कहीं पर इनका सम्मान अभी अभी फिर से चालू किए हैं। भोपाल में हबीबगंज रानी कमलापति सल्लाम के नाम पर किया गया है कि नहीं है? तो और टांटिया मामा भील के नाम पर किया गया, तो ये तो बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था। 75 साल के बाद लोगों को याद आ रहा है, और वो दादा मरकाम के आंदोलन के बाद लोगों को याद आ रहा है। ये पीला गमछा नरेंद्र मोदी को याद आ रहा है, इधर शिवराज सिंह चौहान को आ रहा है, इधर आपके भूपेश बघेल को याद आ रहा है साथी। पीला गमछा से लोग बहुत परेशान हो, इसलिए ये पीला गमछा का, दादा मरकाम का, इस आंदोलन का आपको अगर सम्मान करना है तो गोंडवाना आंदोलन के साथ चलना होगा। और जिस दिन आप कंधे से कंधा मिलाकर से कदम मिलाकर के आगे चलोगे, वो दिन दूर नहीं 2023 में गोंडवाना के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी साथियों। ये संकल्प हमको लेकर के जाना होगा, चूंकि हम उनको याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो ऐसी बलिदान नहीं हो गए, उनको फांसी पर ऐसी रायपुर के जय स्तंभ चौक में नहीं लटकाया गया था। वो आपके समाज के लिए, आज हमारा समाज बढ़िया खुशहाली से जिएगा, आजादी के साथ रहेगा, अपनी गाना गाएगा, अपनी राजपाट की बात करेगा, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दिया, और इस तरह हजारों लाखों लोग हमारे समाज के सूली पर चढ़ गए। उसका कारण है कि
हम लोगों को अपने इनके पद चिन्ह पर चलते हुए गोंडवाना का नाम को रोशन करना है, गोंडवाना की सरकार बनाना है, गोंडवाना का राजपाट करना है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अमर शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान को विनांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देता हूँ। सबके चरणों मेरा सादर सादर सेवा जोहार, और बालक बालिका छात्रावास के तमाम छात्र छात्राओं को पुनः बधाई देते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय प्रभु, चलाते रहेंगे गोंडवाना, बनाते रहेंगे गोंडवाना।